तो लो भाई आ गई है लापता लेडीज का ऑफिशियल ट्रेलर। जो मूवी का नाम ही ऐसा हो तो मूवी कैसी होगी आप सब अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये स्टोरी है बिहार की, जहाँ दीपक कुमार अपनी वाइफ फूल को विदा करवा के लेके आता है। वो बड़े खुश लग रहे थे। वो दोनों बस में अपने घर से निकलते हैं तो सडनली फूल को वॉशरूम जाना पड़ता है। तो बस रेलवे स्टेशन पे रुकी तो फूल ट्रेन में चढ़ी। अरे बस लाइन बन गई यार। तो बात पे वापस आते हैं। उस टाइम ट्रेन में से एक लड़की उतरी भी कुछ सेम दुल्हन के जोड़े में पहुंची दीपक कुमार के पास। दीपक कुमार शादी की खुशी में ध्यान ही नहीं देते कि घूंघट के पीछे कौन है। कहा जी ब्याह की इतनी खुशी बीबी का ही नहीं पता चला। जब दीपक कुमार अपने घर पहुंचे उस लड़की को लेके तो वो बहुत ज्यादा खुश थे और बता रहे थे सबको कि चाचा आपकी बहू आ गई। जब बहू रानी की आरती के लिए बोला गया घूंघट उठाओ तो आरती की थाली भी शॉक्ड हो गई। एक हाथ देख लिया भाई तो वहां फूल की जगह निकली पुष्पा रानी। तब एक बच्चा बिल्कुल सही बोलता है चाची बदली गई। तभी से तो इस मूवी का नाम भी बड़ा गजब का रखा है लापता लेडी। अब सीन दिखाते हैं फूल की तरफ जो कि रेलवे स्टेशन पे अकेले घूम रही है। उसके पास ना कोई पैसा है ना कोई ठिकाना क्योंकि दीपक कुमार ने उसके सारे जेवर पहले उतरवा लिए थे ताकि वो सेफ रहे उसके पास। उनको क्या पता था ये सब भी झेलना पड़ेगा। तो उस समय फूल बहुत डर जाती है और उस लड़के से मिलते जो उसके पीछे पड़ जाता है। वो लड़का बोलता है काज तुम हो गई का। तो वो बोलती है हाँ। तो वो उसे एक आंटी के पास लेके जाता है और वो बोलती है ऐसी बात तो हमने पहली बार सुनी है कि दुल्हन खो गई। वो बोलती है तुम्हारा पति तुम्हें लूट के भाग गया है। अब सीन दीपक कुमार की तरफ जाता है जहाँ वो पुलिस स्टेशन में होता है। उसका दोस्त इंस्पेक्टर को बोलता है ये हमारा दोस्त है दीपक कुमार, ये अपनी वाइफ को विदा करवा के लेके आता था और वो खो गई। इसी बीच दरोगा यानी रवि किशन भी मजाक के मूड में थे। वो बोलता है हमारी पत्नी का ही नहीं कोई ससुरी खोती ही नहीं है। तो बात करें रवि किशन की, ये साउथ की मूवी में भी आते हैं और भोजपुरी मूवी में भी आते हैं। ये बढ़िया कलाकार है बहुत। तो बात करते हैं पुष्पा रानी की। तो रवि किशन को भी अब पुष्पा रानी पे शक होने लग जाता है। वो कुछ तो घोटाला कर रही थी और ट्रेलर में भी साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वो कभी फूल की सास पे नजर रखती थी पैसों के लिए, कभी वो फोन पे बात करती थी किसी से, कभी वो ज्वेलरी शॉप में किसी को मिलती थी। ये कोई तो मकसद था किसी चीज के लिए तो आई थी। और इसी बीच में दीपक की जो हालत टाइट वाइफ फूल को ढूंढने में बिल्कुल लगा हुआ था, वो बिल्कुल बुरी हालत में था। और इसी बीच फूल को भी दिखाया जाता है जो रेलवे स्टेशन में भटकती फिरती थी, उसका भी रो रो के बुरा हाल हो जाता था। तो बात करते हैं पुष्पा रानी की। पुष्पा रानी किसी तो मकसद से आई थी यहाँ पे, तो ऐसे क्या पता नहीं चला कि वो किसके साथ जा रही है। बात तो है ना, पुष्पा रानी हर टाइम के लिए अपनी सास यानी फूल की सास के ऊपर नजर रखती थी। जब वो पैसे निकालती थी तब भी और सब कुछ भी। तो इसी बीच जब रवि किशन उस पर नजर रखते थे तो उसने उसको धर लिया, तो उसको पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। और दूसरी तरफ फूल और दीपक कुमार की हालत टाइट एक दूसरे को ढूंढने में, और लास्ट में पुष्पा रानी जेल ही चले जाती है। अब किस रीजन की वजह से गई है वो मुझे पता नहीं है। अब जो मूवी आएगी सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। ये मूवी आमिर खान ने प्रोड्यूस की है। ये 1 मार्च को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पे। आप सबकी क्या राय है लापता लेडीज को लेकर कमेंट में जरूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।